फिर मैं भी इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लूंगा। देखना, मैं सबसे ज्यादा दूध पीकर फर्स्ट आऊंगा। नहीं चिंटू, तुम एक जिन हो, तुम जादू से जीत जाओगे। कोई नॉर्मल बच्चा तुमसे मुकाबला कैसे कर सकता है? तुम मुझे किसी भी कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं लेने देते। भाइयों बहनों, हमारा नाम है क्रोधी पहलवान। हमारी डेयरी में ई कंपटीशन यह ले रखा हुआ है कि बच्चों को दूध पिए की आदत पड़ जाए। जौन बच्चा सबसे ज्यादा दूध पिएगा वह फर्स्ट आएगा। चलो भाई चलो, मुकाबला शुरू करता हूँ। बस बस बिटुआ, हमार सब दूध खत्म हो गया। हम तुमका फर्स्ट प्राइज। एक मिनट सर, ये कंपटीशन फुरसतगंज के बच्चों के लिए है। फर्स्ट प्राइज बंटी को मिलना चाहिए क्योंकि ये लड़का फुरसतगंज का नहीं है। मेरा नाम पिंटू है। मैं फर्स्ट आया हूँ। और देखो भाई, कहे कि पिंटू जो है फुरसतगंज का नहीं है, इसे इस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज नहीं दिया जा सकता। फिर भी हम इसे एक प्राइज तो दे ही देंगे। ये ट्रॉफी है ये बचवा पिंटू के लिए, और ये कंपटीशन में फर्स्ट आया है बंटी। ये मैं जीत गया। अभी सूत्रों से पता चला है कि फुरसतगंज में रोज हर तबेले से भैंसे चोरी हो रही हैं। पुलिस की काफी कोशिशों के बाद भी चोर पकड़ा नहीं गया है। अब सिर्फ न्यू डेयरी में ही भैंसे बची हैं, क्योंकि उसकी सुरक्षा बहुत सारे पहलवान कर रहे हैं। लोगों ने रोबो बॉय से अपील की है कि इस चोर को पकड़े। रोबो बॉय, अगर तुम ये न्यूज देख रहे हो तो प्लीज हेल्प। दादाजी, हमें उस चोर को पकड़ना होगा। लेकिन कैसे? जिंटू है ना, दूध से भरा हुआ पूरी डेयरी, इसे कहो जादू से भैंस बन के खड़े हो जाए। जब चोर इसे ले जाएंगे तो ये सब कुछ देख के हमें भुला लेगा। हाँ, ये भी अच्छा आइडिया है। चलो जिंटू, एक मोटी तगड़ी भैंस बन जाओ ताकि चोर तुम्हें चोरी करके ले जाए। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। चाट, वाह वाह, थोड़ी चाट खा लूं पहले। अरे ये सब क्या हो रहा भाई? इस भैंस को चाट खाने का शौक है। देखो कैसे खा रही है। एकदम चटोरी लागत है। एक के नाम जो ना चटोरी रख दे। भूल गया। ये चिंटू कहाँ गया? लगता है उसे चोर ले गया। अब क्या करें, उसका पता कैसे करें? कहीं उसकी याददाश्त तो गुम नहीं हो गई? मुझे जिंटू पे भरोसा नहीं था, इसीलिए मैंने उसकी टेल पे एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दी थी। चलो उसे ट्रैक करते हैं। मुझे पहले से ही शक था कि चोर यही होगा, क्योंकि सिर्फ इसकी भैंस ही चोरी नहीं हो रही है। तुम दोनों यही रुको, मैं चिंटू को ढूंढ के आता हूँ। <laughs>
चाट चटोरी खाओ खाओ और जितना चाट खाए के खाए ले। जब तक हम तुम्हारे मालिक है ना तुमका चाट के कमी ना होई। खाए जाओ ये मेरा मालिक कितना अच्छा है। यम्मी क्या चाट है। तो पूरे फुर्सतगंज की भैंस तुम चोरी कर रहे हो। ये भैंस मेरी है, मैं इसे ले जा रहा हूँ। ये कौन लड़का है जो मुझे मेरे मालिक से अलग कर रहा है। शाबाश चटोरी, मारो कमार, बच के जाए ना पावे। जिंटू क्या कर रहे हो। जिंटू रुक जाओ। यादाश्त गुम हो गई है। मैं जाके उसके सर पे दो डुलाटी मारूंगा और उसकी याद वापस आ जाएगी। तुम दोनों यही रुको। जिंटू, जिंटू, देखो कौन आया है। बहनों देखो ये गधा यहाँ कैसे घुस आया। ये और उसका मालिक हमें यहाँ से ले जाना चाहता है। चलो उनको सबक सिखाते हैं। ये मुझे घेर क्यों रही है। इनके इरादे खतरनाक लग रहे हैं। बताओ, हे जिंटू, अपने ही दोस्त को पिटवा रहे हो। बताओ। जिंटू के सिर पे तो मैं दुलाटी नहीं मार पाया, लेकिन मेरे आगे पीछे ऊपर नीचे तमाम दुलाटियां पड़ गई। मुझे वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। अब रोबो बॉय को ही जाना होगा। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। वाओ आ जाओ भाई रोबो बॉय। सुना है कि तुम फुर्सतगंज के रखवाला हो भाई। हम सोच ही रहा था कि तुमसे मुलाकात कब होगी। रोबो बॉय, अरे हमारा नाम क्रोधी पहलवान है। वैसे तो हमको क्रोध आता नहीं है, लेकिन जब हमको क्रोध आ जाता है ना तो हम जमीन और आसमान हिला डालते हैं। क्यों बचुआ, तुम काहे हमसे उलझ रहे हो भाई। ये तुम्हारे खेले कूदे की उम्र है। जाओ बेटा जा। गुस्सा मुझे भी नहीं आता है, लेकिन जब आता है तो मैं भी जमीन आसमान हिला देता हूँ। मेरा मालिक खतरे में है। वीर, चिंटू आ रहा है। उसके सर पे मारो, उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। जिंटू के सर पे लग रही है, फिर भी उसकी याददाश्त वापस नहीं आ रही है। उसके सिर पे नहीं, सिंगों पे लग रही है। वीर, उसके दोनों सिंगों के बीच मारो, तभी उसकी याददाश्त वापस आएगी। ओके इमली। दादाजी, जल्दी से पुलिस को लेकर नई डेयरी आ जाइए। बंदूक छोड़ के आम फेंक फेंक के काहे मार रहा है। समझ में नहीं आ रहा इको का हो गया। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ।
अभी का जादू है। जिंटू इनको ये सब भुला दो, उन्हें ये याद नहीं रहना चाहिए कि उनकी चटोरी लड़का बन गई। ए रोबो बॉय, हमार चटोरी कहाँ गई? चटोरी तो चाट खाने भाग गई। अब तुम लोग भी जेल जाके चाट खाओ। अभी अभी रोबो बॉय ने भैंसों के चोरों को पकड़वा दिया है। रोबो बॉय ना होता तो पता नहीं हमारा क्या होता। फुर्सतगंज आज अपना सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। साइंटिस्ट के कई सालों के मेहनत का नतीजा है ये। ये सैटेलाइट जमीन में छुपे सब न्यूट्रेनियम पदार्थ को ढूंढ लेगा और देश में पावर की समस्या खत्म हो जाएगी, जो देश के लिए बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये सैटेलाइट न्यूट्रेनियम मेटल नहीं ढूंढ पाएगा। न्यूट्रेनियम मेटल की खान हमारे पहाड़ों के आसपास है और मेटल मैं निकाल रहा हूँ। मैं दुनिया की सारी पावर्स अपने कब्जे में करना चाहता हूँ। टिम्बक्टू! यस बॉस, बोलिए। जाओ और देखो, ये सैटेलाइट स्पेस में नहीं जाना चाहिए। मैंने एक स्पेस शटल बनाया है, उसमें जाओ और उस सैटेलाइट के रॉकेट की मशीन जाम कर दो। बॉस, वो फुर्सतगंज का सैटेलाइट है, रोबो बॉय जरूर उसका प्रोटेक्शन करेगा। उनका सैटेलाइट तो बर्बाद नहीं होगा, लेकिन अपने शटल के बर्बाद होने के पूरे चांसेस हैं। उल्लू की तुम, तुम्हारी बस का कुछ नहीं है। एस्ट्रोबॉट! एस्ट्रोबॉट, मेरी स्पेस शटल में जाओ और फुर्सतगंज के सैटेलाइट के रॉकेट की मशीन को जाम कर दो। अगर वीर द रोबो बॉय रास्ते में आए तो उसे भी खत्म कर दो। ओके बॉस। ही इज सुपर डुपर डेंजरस बॉस। अब ये फुर्सतगंज के सैटेलाइट को रोकेगा। ये स्पेस के लिए बनाया गया खास रोबोट है। यू जीनियस बॉस, सुपर डुपर जीनियस। शी इज राइट बॉस, शी इज राइट। वीर इमली, देखो फुर्सतगंज का सैटेलाइट लॉन्च होने वाला है। वीर, सैटेलाइट अंतरिक्ष में कैसे जाएगा? सैटेलाइट के पीछे रॉकेट लगा होता है, वही रॉकेट सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लेकर जाता है। रॉकेट की क्या जरूरत थी? मैं तो ऐसे ही सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज सकता हूँ। जिंटू, ये काम साइंटिस्ट और साइंस का है, इसमें जादू की मदद नहीं चाहिए। और वैसे भी अगर तुम्हारे जादू से सैटेलाइट ऊपर गया तो कहाँ पहुँचेगा ये किसी को नहीं पता। तुम तो हमेशा मेरा मजाक ही उड़ाते रहते हो। मैं जा रहा हूँ। बच्चों देखो, अब बस थोड़ी ही देर में सैटेलाइट लॉन्च होने वाला है। ये ऊपर जाके जमीन के अंदर छुपे हुए न्यूट्रेनियम नाम का खास मिनरल ढूंढ लेगा, जिसमें प्लैटिनम और यूरेनियम से ज्यादा पावर होती है। ओके जेंटलमैन, 5 seconds टू गो। 5, 4, 3, 2, 1। रॉकेट का इंजन जाम हो जाएगा और सैटेलाइट कभी ऊपर नहीं पहुंच पाएगी। अरे ये क्या, लगता है रॉकेट का इंजन जाम हो गया है और ये सैटेलाइट कभी भी क्रैश हो सकता है। इतने सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार रॉकेट का इंजन जाम हो गया है और सैटेलाइट नीचे गिर रहा है।
फुर्सतगंज में जहाँ भी गिरेगा वहाँ ब्लास्ट होके बहुत नुकसान होने की संभावना है। साइंटिस्ट की 10 साल की मेहनत बेकार हो गई। डोंट वरी दादाजी, उनकी मेहनत बर्बाद नहीं होगी। एस्ट्रोनॉट सूट ऑन। एस्ट्रोनॉट सूट ऑन। हमेशा की तरह आसमान में रोबो बॉय मुसीबत की घड़ी में मदद के लिए आ गया है। क्या वो रॉकेट को रोक पाएगा? ये अचानक कौन आ गया? ये कौन है जो रोबो बॉय को रोकने की कोशिश कर रहा है? सैटेलाइट ठीक से काम कर रहा है। उसने सिग्नल्स भेजना शुरू कर दिया है। दादाजी, मेरी बैटरी लो हो रही है। वीर, किसी भी सैटेलाइट पे जाके चार्ज कर लो जल्दी। हाथ का बैटरी कनेक्टिंग वायर टूट के अलग हो गया है। वीर, होश में आओ, अपना वायर जोड़ो, कोशिश करो। वीर, जैसे ही ये ग्रीन लिक्विड इस बॉक्स में भर जाएगी, तुम हमेशा के लिए लिक्विड फ्रीज हो जाओगे। वीर, उठो। भाई, जिंटू को बुलाओ। जिंटू सिर्फ वीर की चुटकी बजाने से ही आता है। ये ग्रीन लिक्विड बहुत खतरनाक है, ये वीर को फ्रीज कर देगा। वीर का बैटरी कनेक्टिंग वायर जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। एक रास्ता है, वो लिक्विड जैसे ही उन टूटे वायर्स को टच करेगा, वायर कनेक्ट हो जाएगा और कुछ देर के लिए वीर को होश आ जाएगा, क्योंकि बैटरी करंट फ्लो पूरा हो जाएगा। लिक्विड आने तक इंतजार करना होगा। हाँ,
बैटरी कनेक्टिंग वायर को जोड़ो जल्दी और उस बॉक्स से बाहर आओ वरना फ्रीज हो जाओगे। रोबोट ने सैटेलाइट में बॉम्ब फिक्स किया है, जल्दी जाओ उसे निकालो, सिर्फ 15 सेकंड बाकी हैं। नहीं एस्ट्रोबोट, आज वीर बचना नहीं चाहिए।